दोस्तों, क्या अजीत अगरकर के अनुसार विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन आसान होगा? संजय भांगर ने भारतीय टीम में किन खिलाड़ियों को चुना है? कौन कौन से खिलाड़ियों को विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में देखा जा सकता है? ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसके चयन में अजीत अगरकर ने सबको हैरान कर दिया? आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों का जवाब देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत के मैदान में होने वाला है क्रिकेट का बाप यानी कि वर्ल्ड कप। बीसीसीआई के प्रमुख चयनकर्ता अजीत अगरकर ने आखिरकार अनाउंस किया कि वर्ल्ड कप 2023 में होने वाले टीम्स में होने वाला है एक बिग ट्विस्ट। क्या है वो ट्विस्ट? अब तो सस्पेंस और बढ़ गया है दोस्तों, क्योंकि ये ट्विस्ट आपको हंसी भी दिलाएगा और सोचने पर मजबूर भी कर देगा। तो दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप की यात्रा शुरू होगी एशिया कप से और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के साथ बढ़ेगी आगे। दोस्तों, इस साल का टूर्नामेंट लाएगा मजेदार मुकाबला, क्योंकि दोस्तों अजीत अगरकर ने खुद कहा है कि वर्ल्ड कप के लिए चुनौतियां उतनी ही बड़ी होंगी जितनी एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में होंगी। तो दोस्तों, आपके फेवरेट प्लेयर्स ने तो तैयारी शुरू कर दी है और उनका सिलेक्शन भी हो गया है। दोस्तों, आपने ठीक सुना है यार, उनका सिलेक्शन भी हो गया। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन हो चुका है। संजय भांगर ने अपनी यूनिक चॉइसेस के साथ टीम बना दी है, बिल्कुल कुछ हटके बनाई है। इस बार इन्होंने तो टीम चुनने का अंदाज ही बदल दिया है। 5 विशेषज्ञ बल्लेबाज, 2 विकेट कीपर बल्लेबाज, 2 स्पिन ऑलराउंडर, 1 तेज गेंदबाज ऑलराउंडर, 1 स्पिनर और 4 तेज गेंदबाजों को शामिल किया है उन्होंने। एक क्रिकेट टीम का सिलेक्शन कैसे होता है ये दिखा दिया उन्होंने। तो दोस्तों, अब आते हैं खिलाड़ियों की ग्रैंड एंट्री पे। दोस्तों, इस बार की टीम में आप देखेंगे क्रिकेट के रॉक स्टार्स यानी कि हमारे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव को। लेकिन रुकिए, यह मजा तो अभी शुरू हुआ है। विकेट कीपर बल्लेबाजों की लाइनअप में ईशान किशन और केएल राहुल, ये दोनों तो कैच मैस्टरो हैं। लेकिन जब विकेट पे आएंगे तो क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। स्पिन ऑलराउंडर बन गए हैं सुपरस्टार, क्योंकि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा आ रहे हैं टीम में। और दोस्तों, तेज गेंदबाजी में हाथ देंगे हार्दिक पांड्या। और दोस्तों, अब तो तालियां बजाइए, क्योंकि अर्शदीप सिंह, अरे ये नाम सुनते ही आप क्यों हैरान हो गए हम जानते हैं, क्योंकि इस 24 साल के तेज गेंदबाज ने अब तक 3 वनडे खेले हैं और एक भी विकेट नहीं लिया, यही बात है ना। पर दोस्तों, ये तो अब तुपके से आग लगाने वाले हैं और उनकी T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस तो शानदार है, ये तो आप मानते होंगे। चलिए दोस्तों, अब आपकी बारी है। हम जानते हैं कि आपके पास ओपिनियंस होंगे और हम चाहते हैं वो ओपिनियन सुनना। अर्शदीप सिंह, क्या आप उनको टीम में देखना चाहेंगे या फिर आपके पास कोई और हटके सजेशन है? कमेंट करिए हमें और जीतिए एक मौका हमारे अपकमिंग वीडियो में फीचर होने का। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास क्रिकेट की खबर, जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आई होगी। वर्ल्ड कप 2023 का हंगामा शुरू हो रहा है, अब देर किस बात की है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अर्शदीप की एंट्री से ज्यादा हैरानी हुई है या वर्ल्ड कप की टीम से ज्यादा हैरानी हुई है। हम इंतजार करेंगे आपका। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और क्रिकेट का आनंद लेते रहिए।